धान में पत्ता लपेट रोग बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपके खेत में पत्ता लपेट या लीफ फोल्डर का अटैक ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए मार्केट में कई प्रकार की दवा मिल जाती है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी सेलेक्टेड दवा के बारे में बताएंगे जिससे पत्ता लपेट या लीफ फोल्डर 100% ख़त्म हो जाएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं धान की फसल में लीफ फोल्डर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले अपने खेत पर जाना है और खेत को देखना है, अपनी धान को देखना है। धान की पत्तियां कुछ इस तरह से दिखती हैं, पत्तियां मुड़ी मुड़ी दिखती हैं, कुछ इस प्रकार से पत्तियां फोल्ड दिखती हैं आपको, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इन पत्तियों में अंदर सुंडी हो जाती है, यह सुंडी पत्तियों के क्लोरोफिल को खाता है और पत्तियों को छिन्न भिन्न कर देती है, पत्तियों को सफ़ेद धारीधार छिन्न भिन्न कर देती है। आप जब पत्तियों को फोल्ड पत्तियों को इस प्रकार से अनफोल्ड करेंगे तो उसमें से कुछ अंडे कुछ लार्वा इस प्रकार का दिखेगा। यही लार्वा कुछ समय बाद सुंडी में परिवर्तित हो जाता है और यही बाद में तने में छेद कर देता है। तने में छेद करने से धान की बालियां सफ़ेद निकलने लगती हैं, अंदर से बालियों को काट देता है जिससे कि उपज में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है। शुरुआत में पत्ता लपेट सुंडी रोग कुछ पौधों पर दिखाई पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आसपास के पौधों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। पत्ता लपेट सुंडी से धान के पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं और साथ ही सुंडी पत्ते का हरा पदार्थ होता है उसको चूस लेती हैं, जिससे पत्ता सफ़ेद हो जाता है, पत्ता छिन्न भिन्न हो जाता है और फसल भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। पौधा पत्तों से ही भोजन बनाता है, लेकिन जब पत्तों से हरा पदार्थ खत्म हो जाता है तब पौधा भोजन नहीं बना पाता है। ऐसे में पौधों को भोजन नहीं मिल पाता है और वह कमज़ोर होकर पौधा अच्छे से बालियां नहीं दे पाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको उपज में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम के बारे में। यदि आपके खेत में नॉर्मल सुंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, यानी सुंडी का प्रकोप कम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जो एमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5%, इसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में कुछ ज़्यादा ही सुंडी का अटैक देखने को मिलता हो तो ऐसे में आपको कारटाप हाइड्रोक्लोराइड जो आता है 50%, इसको आप 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में कुछ ज़्यादा ही सुंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा हो तो ऐसे में आपको किसान भाइयों कुछ महंगे टेक्निकल कुछ हैवी टेक्निकल डालने पड़ेंगे जिससे कि सुंडी ख़त्म हो सके। तो किसान भाइयों इसके लिए आप क्लोरएंट्रानीलप्रोल जो आता है 18.5%, जो कि कोराजन के नाम से आता है, इसको आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे आपकी फसल में तो आपको सुंडी से बहुत राहत मिलेगी। या फिर आप किसान भाइयों दूसरी दवाई का स्प्रे भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, वह है सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों इसमें टेक्निकल क्लोरएंट्रानीलप्रोल 10% और लैम्डा साइलोथ्रिन 5% होता है। इसका उपयोग करने के बाद में किसी भी प्रकार की सुंडी हो, लार्वा हो, अंडे हो या कुछ भी हो, ये बहुत ही सिस्टमिक तरीके से काम करती है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आपके खेत में जो पत्ता लपेट है, सुंडी है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।